14 के बाद सीधा 2022 में लगभग 8 साल के बाद एक विलन रिटर्न फिल्म आखिर आ ही गई। नेस्टा के साथ डायरेक्टर सेमी थे मोहित सूरी, उनकी फिल्म को फर्स्ट वीक रिस्पॉन्स मिला। चलिए बात करते हैं बिना देरी के। 8 से 10 परसेंट मॉर्निंग शो की ऑक्यूपेंसी है, 8 to 10 आफ्टरनून शो ऑक्यूपेंसी 13 से 14 परसेंट, 13 से 14 परसेंट, इवनिंग शो ऑक्यूपेंसी 16 से 17 परसेंट, 16 से 17 परसेंट, और नाइट शो ऑक्यूपेंसी अभी क्लियर नहीं, लेकिन वो भी बेहतर होगी इवनिंग से। यानी पूरे दिन की ऑक्यूपेंसी अगर माने तो इसको 15-16 परसेंट तक की ऑक्यूपेंसी मिलने वाली। मैं जिस थिएटर में फिल्म देख रहा था उस थिएटर में कुछ नहीं, तो आपको बता दो कम से कम सीटिंग कैपेसिटी 150 के आसपास कम से कम होगी, उसमें से जो मैं पब्लिक देख रहा था वो 50% पब्लिक थी, 45 से 50% तो थी, वो भी सुबह 7:45 शो की मैं बात कर रहा हूँ। तो सोच सकते हैं मैं जिस थिएटर में देखा वहां पर पब्लिक थी, और इसकी ऑक्यूपेंसी 15-16 परसेंट इसमें कहा। उसका फर्स्ट डे कलेक्शन का जो प्रेडिक्शन सुबह दिया था वो 5 से 7 करोड़ था, लेकिन इसका कलेक्शन कुछ नहीं तो 6 से 7 करोड़ के रेंज में आने वाला है, ये बात पक्की है। वर्ड ऑफ माउथ से ये फिल्म फैलेगी और जो कॉलेज गोइंग ऑडियंस वो इस फिल्म को पसंद करने वाली है। हाल में फिल्म थोड़ी सी वीक है एक विलन ऑरिजिनल से कंपेयर करें तो, लेकिन उस हिसाब से फिर भी आज के हिसाब से जिस हिसाब से बॉलीवुड की फिल्म चल रही है उस हिसाब से ये फिल्म चलेगी, इसका बस है और मार्केट में ये चल जाएगी मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए फिलहाल कितना ही, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। क्या लगता है कितना एक्साइटेड है आप, और अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो जरूर जाके देखिएगा।